हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू आवर चैनल। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। आई विश आप सबकी विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। आप लोग को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, आप लोग की सारी इच्छा पूरी हो और लक्ष्मी माता आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। और आज हम लोगों के यहाँ भी बहुत काम है, तो हम लोग आपको फर्स्ट ऑफ ऑल विश कर रहे हैं, इसके बाद जा रहे हैं, क्योंकि दिवाली के साथ साथ बहुत सारा काम भी होता है, वो भी हम ही लोगों को करना है और सेलिब्रेट भी हम ही लोगों को करना है। बहुत सारा काम है और हमारी तरफ से तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं दिवाली की। तो चलिए, अब काम भी बहुत सारा है तो वो भी कर लेते हैं। कीप वॉचिंग फ्रेंड। आज सुबह से ही बहुत काम है, तो इधर मैं चाय बना रही हूँ, इधर तवा चढ़ाया हुआ है, इस पर ब्रेड गर्म करूँगी और नाश्ते के लिए ये लाया हुआ है, क्योंकि आज नाश्ता बनाने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत काम है। और सासू माँ का ऑर्डर है, दाल भी पीस के रखी हो, ये रखी है दाल, इसके दही बड़े बनेंगे। इधर दिख नहीं रहा है, इधर रोशनी में देखिए, उड़द की दाल है, छिलके वाली भी गोई थी। फ्रेंड्स आज रसगुल्ले भी बनाए हैं और अभी बन ही रहे हैं, थोड़े चाशनी में निकाल के यहाँ रखे हुए हैं। आप लोग भी इन्वाइटेड हैं रसगुल्ले खाने के लिए, प्लीज़ कम। तो फ्रेंड्स अभी बस झाड़ू लगी है घर में, नाश्ते वास्ते का काम करके अब मैं करूँगी, पोछा लगाऊँगी घर में। और आज कपड़े भी बहुत सारे धुले हैं, इधर मम्मी जी के रूम में भी सब काम हो चुका है। आज जो भी काम होगा जल्दी जल्दी करके, फिर शाम का भी बहुत काम बाकी है। ये मैंने उस दिन के वीडियो में आपको दिखाया था, ये सब सामान अभी यहाँ रखा हुआ है, फिर शाम को मैं पूजा घर में इन सबको लेके जाऊँगी, वहाँ पे सजाऊँगी। तो सबका नाश्ता हो चुका है और अब गौरी कोने में बैठ के अपना नाश्ता कर रही है। हेलो फ्रेंड्स, विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। मे गॉड फुलफिल ऑल योर विशेस। आप सब लोग बहुत खुश रहे, आपको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं। और ये कोने में बैठ के इसलिए खा रही है क्योंकि ये कुछ डिफरेंट खा रही थी। सब लोग गोल वाले बंद वाली ब्रेड खा रहे थे और ये अलग वाली खा रही है, इसलिए ये अलग बैठ के खा रही है। और बताइए गौरी जी, दिवाली पे आपका क्या प्रोग्राम है? मेरे प्रोग्राम है कि दिन भर हम लोग तैयारी करेंगे, थोड़ा पंडाल डेकोरेट करेंगे, फिर उसके बाद शाम को पूजा होगी तो वो सब आपको दिखाएंगे। और फिर शाम को हम लोग पटाखे भी जलाएंगे और रंगोली भी हम लोग सजाएंगे बनाएंगे।